है ना। अब देखो देखो ये चीज़ जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगी मुझे, और कुछ नहीं। हेलो भाई, राम राम सभी को। आज आपको दिखाने वाला हूँ भाई थार की कॉम्पिटिटर। थार की जो कॉम्पिटिटर है आपको पता ही होगा, एक ये मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली, नेक्सा की तरफ से आने वाली जिमनी 4x4। ये देखो भाई, ये रही है ना, ये भाई जिमनी आपकी 4x4। ये कुछ भाई जिन भाई ने ली है ना, हुआ इन्हें पड़ी है 15 लाख कुछ की पड़ी है भाई, ये 15-17 की पड़ी है कुछ, है ना। तो देख सकते हो मतलब यार जिमनी क्या है, पूरा बताऊंगा मतलब क्या है क्या नहीं यार, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा थार से कंपैरिजन कर दूंगा, है ना। देख सकते हो मैं तो पर्सनली बताऊँ तो मुझे थार तो देखो पसंद है, और मुझे जिमनी भी सही लगती है। मतलब ऐसा नहीं है बेकार लगती है, मतलब बढ़िया लगती है, मुझे जिमनी भी सही लगती है। एक कार एंथुजियास्ट होने के नाते मुझे तो बढ़िया लगती है। अब देखो फ्रंट प्रोफाइल से बात करेंगे, ये देख सकते हो मतलब ये ग्रिल वगैरह देखो, मतलब जैसे यहाँ क्रोम दे रखा है, ये आपका देखो कुछ साटन सी फिनिश दे रखी है ना, बीच में सुजुकी का लोगो, आपका देखो वाइट लैंप आ रही है ना, एक हेडलाइट वॉशर आ रहा है इधर, और देखो चला के चालू करके दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे आपका इंडिकेटर हो गया, नीचे फॉग लैंप आ रहे हैं, ये पीले हैं फॉग लैंप तो आपके, और टायर वगैरह देख सकते हो ब्रिज स्टोन के टायर हैं, जिनकी जो प्रोफाइल है वो है 195/80R 15 इंच के भाई। मैं चाहता हूँ कि बड़े कर देते तो बढ़िया था, ये काफ़ी पतले से मतलब अजीब से लग रहे हैं, पतले पतले से टायर, थोड़े मोटे होते ना तो सही रहता, 15 इंच रहते पर मोटे होते हैं। आप देख सकते हो मतलब पूरी कार का लुक मतलब सही लगती है यार, ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार लगती हो भाई। देखो फुट वगैरह चढ़ने के लिए भी कुछ नहीं दे रखा ना, पीछे भाई इसमें डिस्क नहीं मिलती, पीछे ड्रम है भाई, नहीं पीछे, हाँ भाई पीछे ड्रम है और आगे डिस्क है, देख सकते हो आगे डिस्क है आपका। बुलेट वगैरह देख सकते हो आपके दो वॉशर मिलते हैं, वाइपर मिलते हैं, एरोटिन वगैरह नहीं है, नॉर्मली वाइपर हैं आपके, और ये को ग्रे डार्क ग्रे सा कलर है कुछ, और देख सकते हो इंडिकेटर आपका ये रहा है ना, ऐसी टिक टिक आ जाती है, ऐसे बंद और चालू ऐसी हो जाती है आपकी, और ये देख सकते हो आपके ORVM हो गए, मतलब अंदर से एडजस्ट हो जाते हैं, फोल्ड भी हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर है वाला जो थार में मिसिंग है फोल्ड वाला। यहाँ आप देख सकते हो रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल रहा है इधर, और देखो ये यही ओल्ड स्कूल टाइप में ऐसे गेट वगैरह खुलते हैं, और ये देख सकते हो विंडो वगैरह, मतलब ये जो है ना ऐसे मतलब विंडो वगैरह ऐसे देखो कुछ तगड़ी सी लगती है गाड़ी, एकदम जी वैगन टाइप सी लगती है मुझे। अब देखो पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से दिखाता हूँ, ये देख सकते हो मतलब गेट वगैरह देखो भाई, सॉफ्टेस्ट तो नहीं मिलेगा यार, मतलब ये इसकी फिर भी बिल्ड सही लगती है, बिल्ड वगैरह ठीक है मतलब। अब देखो पीछे की सीट वगैरह देख सकते हो, फैब्रिक की सीट मिलती है आपको। अब देखो इसमें बैठ के दिखाता हूँ कैसा भाई, अब हाइट के अकॉर्डिंग सीट मैंने एडजस्ट कर दी है, अब देख सकते हो मतलब इतना मतलब ठीक ठाक है, स्पेस तो ठीक है, मेरी 5'10" कुछ हाइट है, मतलब ठीक स्पेस मिल रहा है, और अंडर थाई सपोर्ट जो है ना वो थोड़ा कम है इसमें। और देखो जैसे कि विंडोज़ नीचे करने के लिए ऊपर करने के लिए एयर बटन, क्रोम के डोर हैंडल्स आपके, और जैसे कि डोर बंद करते हैं, अब देखो बिल्ड वगैरह ठीक है, मतलब ज़्यादा तो है नहीं पर लेकिन ठीक है। अपने 4 एयरबैग्स आ रहे हैं, 4 एयरबैग्स, ऊपर देखो लाइट वगैरह मिल रही है, सनरूफ वगैरह तो खैर नहीं आती ऑफ रोडिंग कार में, महंगी होती है उनमें ही आती है ना। आप ना कप होल्डर वगैरह दे रखे हैं, बॉटल वगैरह रख सकते हो कुछ भी, और अब देखो ये आपका ग्रैब हैंडल सा हो गया, यहाँ पे पकड़ सकते हो क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग होगी तो हिलेगी बहुत ज़्यादा, देखो अगर मैं ऐसे हिलाऊँ देखो हिल रही है। अब ये यार थोड़ी छोटी है और मतलब सही है वैसे गाड़ी, अब देखो जैसे कि बंद करते हैं, अब देखो मैं हिलाऊँगा, ये देखो कैसे हिल रही है, देखो पकड़ी भाई, देखो देखो ऐसे, पता है इस हल्के वेट का एक फ़ायदा है, इस हल्के वेट का ये फ़ायदा है कि ऑफ रोडिंग की जो इसकी कैपेबिलिटीज़ है ना वो बहुत बढ़ जाती हैं। पीछे देखो आपका क्वार्टर पैनल मिल ही रहा है, 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, देख सकते हो मतलब 40 लीटर भरवा सकते हो तेल फिर चलाओ काफ़ी, और इसके जो ओनर है वो बता रहे हैं कि इसका जो माइलेज है वो कम से कम 19 से 20 का मिल रहा है हाईवे पे, और सिटी में वही 15-16 देती है। ऑल ग्रिप की बैजिंग मिल रही है, पीछे नेक्सा की बैजिंग होगी, आपकी ब्रिजस्टोन का टायर मिल रहा है, ये कवर लगा रखा है भाई साहब, मतलब पियानो सी फिनिश में दे रखा है, सही लग रहा है देखने में है ना। और टायर थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, धूल फूल पकड़ लेता है, थोड़ा गंदा सा लगता है पीछे, लुक बिगाड़ता है थोड़ी सी, मतलब लग तो सही रहा है लेकिन जो टायर गंदा हो जाता है वो बेकार लगता है। जिमनी की ब्रांडिंग देख सकते हो आप यहाँ पे है ना, ये आपका लॉक अनलॉक कर सकते हो यहाँ से, जब खोलिए ना, वाइपर भी इसमें मिल रहा है, डिफॉगर भी मिल रहा है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर यूनिट मिल रही है, आपका शाफ्ट एंटीना नहीं मिलता, नॉर्मली एंटीना है। देखो ये इसमें फ़ायदा होता है, यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाता है ठीक ठाक स्पेस, देख सकते हो आपको एक लैंप भी मिल रही है ना,
और आपको देख सकते हो मतलब सही है। और यहाँ से मतलब सीट वगैरह अपनी वो भी कर सकते हो, लिटा सकते हो, और जैसे होता है सीट का रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से इतना रिक्लाइन हो जाती है सीट, है ना। और देख सकते हो 120 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल रहा है आपको। और नीचे दिखा देते हैं, है ना। देखो अब यूपी की गाड़ी में पता है हमेशा आपको ये ज़रूर दिखाई देगा, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, बाइक वाले मार जाते हैं। तो भाई मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह का छोटे मोटे बैग्स है ना वो भी रख सकते हो, मतलब सही है स्पेस वगैरह। और देख सकते हो लुक वगैरह इंटीरियर का सही लगता है, सेट लगती है भाई गाड़ी। और ये देखो क्वार्टर पैनल छोटा, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी लगती है गाड़ी, है बहुत क्यूट क्यूट सी, है ना। बंद करते हैं, मतलब सही है। थोड़ा सा इसका प्राइस है ना वो थोड़ा सा ओवर प्राइस है। इसका जेटा जो वेरियंट है ना, आज से थोड़े टाइम पहले ही मतलब वो ही 15 लाख रुपये मिला था, पर ये था कुछ। अब देखो फ्रंट डोर से बात करते हैं, देखो यहाँ पे मतलब कुछ रख सकते हो अपने मतलब कपड़े वगैरह। और देखो क्रोम में डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, या आप मतलब यहाँ से पकड़ के बंद कर सकते हो गेट वगैरह। जिमनी ये भाई वो करवा रखा है, एक्सेसरी का पार्ट है आपका। हाइट वगैरह एडजस्ट नहीं होती भाई, टॉप वेरियंट होने के बावजूद भी हाइट एडजस्ट नहीं होता भाई। और सीट्स वगैरह काफ़ी कम्फर्टेबल है इसकी। अब देखो बैठ के दिखाते हैं भाई पूरी कार का लुक। अब देखो स्पीकर वगैरह मिल रहा है, इसके इंटीरियर में बैठ चुके हैं हम। अब देखो ये टच स्क्रीन मिल रही है, देखो ऑन कर लेते हैं गाड़ी को। देखो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा भाई, जो कि सही है, मतलब देखने में सही सा लगता है। और जो पुरानी जिमनी नहीं आती है, आती थी उसमें मतलब ऐसे आते थे ये, देखो मतलब नट से वगैरह, मतलब ऐसे पुरानी वाले जैसा ही है। और देखो सुजुकी के मतलब ये आपका चालू हो चुका है, देखो अभी तो। अब देखो ये भाई स्क्रीन जो 10 इंच की है, 10-11 इंच की कुछ स्क्रीन है भाई, बढ़िया है, मतलब स्मूथ है यार। अपना एंड्रॉयड कारप्ले सब मिल ही जाता है। और देख सकते हो मतलब एवरेज रेंज इसमें पेयर्ड कनेक्ट वगैरह सब कर सकते हो, मतलब काफ़ी फीचर मिलते हैं। देखो ऐसे करेंगे कॉल टू कनेक्ट, पेयर डिवाइस, डिस्प्ले, मतलब माई इमेजेस वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। और अरे भाई ऊपर हो जा, है ना। अभी तो देखो 11 पॉइंट की मतलब माइलेज दे रही 12 कुछ, पर पता है बता रहे हैं ओनर की मिल जाती है माइलेज अपनी 19-20 की, पर ये तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब अच्छी माइलेज मिल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल रहा है आपका, देख सकते हो यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है। और देख सकते हो बीच में लाइट दे रखी है इन्होंने, मतलब सनग्लास होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलता इसमें। और देख सकते हो ऐसे मिल गया, और ग्रैब हैंडल वगैरह दे ही रखे हैं, मतलब सही है यार। देखो विंडशील्ड वगैरह पूरा बोनट दिखाई देता है, मतलब हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हो सीट किया, लेकिन बोनट वगैरह सही दिखाई देता है। कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हैं हम, 15 डिग्री सेल्सियस भाई गाड़ी का टेम्परेचर बताई रही है, गाड़ी का टेम्परेचर नहीं गाड़ी के बाहर का जो टेम्परेचर है वो। देखो इसके फीचर्स दिखा देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल होते हैं वही ओल्ड स्कूल स्टाइल, ये मारुति बदलती नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। देखो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी हो गई, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज आपका, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, है ना। ऐसे अभी ब्लैंक हो गई, मतलब ब्लैंक हम कर सकते हैं। और देख सकते हो यहाँ से आएंगे ना ट्रिप, तो ट्रिप है ट्रिप भी यहाँ से ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो इस वाले बटन से, है ना। ये है भाई आपकी पूरी गाड़ी, यहाँ पे अपने म्यूजिक कंट्रोल के मिल जाते हैं, और यहाँ पे कॉल काटने उठाने वॉइस कमांड, क्रूज कंट्रोल मिल ही जाता है इसमें, ऑटोमेटिक लैंप हैं, और आपके नॉर्मली वाइपर हैं, ऑटोमेटिक नहीं है भाई इसमें वाइपर। और पीछे का भी यहीं से एडजस्ट हो जाता है वाइपर, यहाँ से मतलब ऐसे ऑन करेंगे ना तो पीछे ला हो जाएगा। देखो दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो ऐसे हो गया चालू, पर फालतू चलाते नहीं भाई, ऐसे खराब हो जाते हैं। देखो ये आपको मिल जाता है IRVM, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली है आपका। और देख सकते हो यहाँ पे मतलब ये भाई, मैं अगर देखो पर्सनल अपना जेन्युइन ओपिनियन दूँ तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें मुझे सबसे बेकार लगी, सबसे मतलब बुरी, क्या ये फॉर्चुनर का इसमें इंजन लग रखा है, मतलब क्या चक्कर है, ये इंडेवर है, कौन सी गाड़ी है ये, देख रहे हो कितना मतलब कितना वाइब्रेट हो रहा है, और अभी भी हो रहा है ये, देखो देख रहे हो। मैनुअल कर देता हूँ, मतलब न्यूट्रल कर देता हूँ, देखो होता ही रहता है भाई। स्टेयरिंग पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, या मतलब बॉडी पे ऐसे ऐसे करते हाथ रखते हैं गेट पे, कहीं वाइब्रेशन नहीं है, पर इसमें वाइब्रेशन है। अब भाई इसमें मतलब कौन सा है, 2200 cc का इंजन है या 2800 cc का इंजन है, पता नहीं क्यों इतना वाइब्रेट कर रहा है ये, इसमें तो ध्यान देना चाहिए, तो बड़ा बेकार सी चीज़ है। अब देखो जैसे गियर डाल दो अपना, देखो पीछे रिवर्स कैमरा भी मतलब ठीक है, ओके ओके है, ज़्यादा खास तो नहीं कहूँगा, लेकिन सही है कैमरा, है ना, ओके है, मतलब सही मिलता है। देखो विंडोज़ लॉक अनलॉक वगैरह ये इसमें कर सकते हो, मतलब वो रखा है शायद, हाँ देखो हाँ हो जाती है वो, डाउन वगैरह करने का बटन दे रखे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटो वगैरह है, देखो ये एक ऑटो भाई, ऑटोमेटिक ये विंडो है, ये वाली ऑटोमेटिक नहीं है भाई, ये वाली ऑटोमेटिक नहीं है ना, ये वाली ऑटोमेटिक नहीं है भाई, है ना। देख सकते हो ऑटोमेटिक ही भाई एसी मिल रहा है, पर इसका जो यार ये जो गियर बॉक्स है इससे भाई मुझे थोड़ा शिकायत है। इसका इंजन भी दिखाऊंगा, 1500 cc का इंजन है, कुल 104 bhp की पावर निकालता है, और आपको 135 तक कुछ अभी और क्लियर कर दूंगा मैं। अब देख सकते हो मोड वगैरह एसी वगैरह सब मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक में। अब देखो इसमें हेडलाइट वॉशर ये रहा आपका, दिखा देता हूँ आपको,
देखो हेडलाइट वॉशर ये रहा आपका, है ना। अब यहाँ पे अपना लाइट वगैरह लेवल एडजस्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक का, जैसे पेट्रोल वगैरह वो होता है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह मतलब भरती है उसे। अब देखो इससे करेंगे ना, देखो फोल्ड हो रहे हैं ना, अभी ना देखो हो गए फोल्ड। अब देखो है ना, ये है भाई पूरी जिमनी। इसमें बात करते देखो ग्लव बॉक्स वगैरह मिल जाता है यहाँ पे, और ये पकड़ने के लिए दे रखा है चीज़ कूल्ड नहीं है भाई, चार एयरबैग्स आ रहे हैं इसमें। और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, कुछ छोटा मोटा मतलब फ़ोन वगैरह रखोगे तो गिर जाएगा। और देखो यहाँ पे कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं दे रखा, ये देखो बाहर से लगवा रखा है ये, है ना। अब देखो चलो इसका दिखाते हैं इंजन, ये किस चीज़ का भाई पता नहीं है, तो हूटर वूटर का होगा शायद, यहाँ पे तो तगड़ा सिस्टम चलता है। देखो अब ये देखो इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट हो जाती है, और बस टेलीस्कोप वो नहीं है, टेलीस्कोपिक वो नहीं है, टिल्ट वाला ये से ऊपर नीचे होता है और कुछ नहीं होता। अब देखो इंजन स्टार्ट करके भाई, इसी चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, देखो कितना वाइब्रेट होता है। अब जो इसका अब जो मैं बता रहा हूँ फोर, देखो ये रेस के 4x4 के कंट्रोल्स, 2 हाई 4 हाई 4 लो प्रेस करके, है ना ऐसे करके देखो आगे पीछे अपना कर सकते हो आराम से, लग जाती है और फिर अपना देखो यहाँ पे आ गया 4x4 का, यही है भाई इसमें। अब ज़रा बोनट खोलते हैं और दिखाता हूँ आपको मैं क्या है भाई इसमें क्या नहीं। देखो यहाँ से इसका इंजन चालू है भाई, अभी देख सकते हो ना, ज़रा करते हैं ये देखो भाई, ये है इसका इंजन भाई, कोई डैम्पिंग वगैरह नहीं दे रखी है, और देखो इधर डैम्पिंग वगैरह दे रखी है, इधर बोनट पे नहीं दी है, क्योंकि भाई जो इंजन है इसका वो काफ़ी साइलेंट है। 1500 cc का इंजन है, 135 Nm का टॉर्क निकालता भाई, है तो कम लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। देखो बंद करते हैं, और ये देखो ये भाई पूरी जिमनी भाई, वॉशर चालू करके दिखाओ यार एक बार भाई को, और ये पानी नहीं यार, नहीं तो चालू हो जाता है वॉशर, इसमें पानी नहीं है शायद मेरे ख्याल से, इस वजह से इसमें आ नहीं रहा, मैंने काफ़ी कोशिश करी। तो यही थी भाई आपकी जिमनी यार, रूफ वगैरह देख सकते हो, मतलब सही लगी यार मुझे तो गाड़ी, ओके है भाई। देखो इसमें है कुछ कमियाँ, जैसे कि टायर वगैरह हो गया है ना, ये छोटी मोटी जो कमियाँ हैं ना ये थोड़ा सुधार कर सकती है मारुति, अपना जो प्रोफाइल है वो थोड़ा बढ़ा सकती है, 185 दे रखा है, 195 जैसे कि 205 कर दे, तो मतलब मोटे मोटे टायर पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो काफ़ी मतलब बढ़िया हो जाएगा। और हॉर्न वगैरह भी चेंज करवा रखा है, देख सकते हो ऐसा हॉर्न मिलता है भाई, सही है एकदम सेट लगता है, याला हॉर्न फॉर्चुनर में लगवाते हैं सरकारी वगैरह में, सरकारी गाड़ियों में भी यही लगा रहता है, मतलब सही लगता है एकदम, हैंड ब्रेक आपको मिली रही है, और बस ये इससे नहीं, ये मतलब ट्रक जैसा दे रखा है। अब देखो कितना ऊँचा है यहाँ से, कितना ऊंचा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ट्रक फ्रक सा है कोई ऐसा, पर ये सुधार कर दे मारुति तो बढ़िया है, वाइब्रेशंस खत्म कर दे, वाइब्रेशन मेन इसमें जो इशू है वो वाइब्रेशंस का है। और देख जैसे इसका गेट खोलते हैं ना, अभी देखो यहाँ से मतलब जैसे पानी वगैरह में जाए तो काफ़ी कीचड़ वगैरह भी उछल के आ सकता है इधर, ये हैं थोड़े से ड्रॉबैक है, कर सकती है मारुति सुजुकी, ठीक करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। जैसे कि मैं रेस देता हूँ ना, देखो रेस दूंगा अभी, ये देखो देखो मतलब कैसे वाइब्रेट होता है ना, थोड़ा सा है यार इशू। बिल्कुल लाइक ज़रूर करना और फॉलो करना भाई चैनल को।